बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी। कई दिनों तक भारत में रहने के बाद अब उनके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि अब दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना ने दिल्ली छोड़ दी है। दरअसल भारत उनकी वजह से बांग्लादेश से कोई बवाल मूल नहीं लेना चाहता था। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी सच्चाई बताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री सुरक्षा की वजह से दिल्ली आई थी, अभी भी वो दिल्ली में ही है। बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। बता दें कि उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, उन्हें 18 नवंबर तक हर हाल में पेश होने का आदेश दिया गया है। बांग्लादेश की सरकार ने भारत से अपील की है कि उन्हें शेख हसीना को वापस भेज दें। शेख हसीना जब ढाका से विशेष विमान से दिल्ली आई तो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उन्हें उतारा गया था। तब शेख हसीना ने अपनी बहन और अपने लिए हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कुछ जरूरी सामान खरीदा था। उन्होंने अपने और अपनी बहन के लिए कुछ कपड़े खरीदे थे। इसका भुगतान उन्होंने इंडियन करेंसी में किया। इसके बाद से वो दिल्ली के ही सेफ हाउस में रह रही हैं। तमाम अटकलों के बीच दावा किया जा रहा था कि शेख हसीना दिल्ली छोड़कर कहीं और चली गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में उनके यूरोपीय देशों में चले जाने का दावा किया गया था, कुछ में सऊदी अरब भाग जाने की बात कही गई थी। लेकिन अब भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान से यह साफ हो गया है कि शेख हसीना अभी भी भारत में ही है।